माय डियर फ्रेंड्स, और लाइफस्टाइल में एक बार फिर मैं आपके साथ नाजिया मलिक, और आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और लवली ब्यूटीफुल सेलिब्रिटी मौजूद हैं, और वो कौन है देखते हैं। अब पाकिस्तान में पैदा हुई लेकिन कनाडा में पली बड़ी, कैनेडियन नेशनल होने के बावजूद अपने मॉडलिंग और एक्टिंग के करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपने पाकिस्तान को चुना। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान ने आपको वेलकम किया और थोड़े ही अरसे में कई टीवी कमर्शियल्स और ड्रामे आपकी शनाख्त बने। आने वाले दिनों में इन्होंने क्या प्लानिंग की, आइए इन्हीं से जानते हैं। और लाइफस्टाइल में हमारी आज की मेहमान सैयदा महरीन शाह हैं। All right, Mehreen, all the way from Canada. That's right. कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब तो खैर this is my home because it's been almost 7 years now. Mm-hmm. 7 साल हो गए हैं शायद मुझे यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। अब adjust हो गई हो? Adjust हो गई हूँ। बल्कि ज़्यादा adjust हो गई हो? I think adjust मैं पहले भी थी because मैं Canada में रहती थी लेकिन मेरा आना जाना रहता था, you know, summers में family को visit करने, तो I was familiar with the life here and there as well. Okay. तो मुझे कभी issues नहीं हुए। ज़्यादा मिस नहीं करती वहाँ? आई डू मिस, आई लाइक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। पाकिस्तान के अपने पर्क्स हैं, कनाडा के अपने पर्क्स हैं। वहाँ पर और यहाँ पर जारी बात एक डिफरेंस है कि आप यहाँ पे अब एक सेलिब्रिटी बन गए हो, एक ड्रामा में आ रहे हो, लॉट्स ऑफ शूट्स, तो कुछ लाइफ में चेंज तो आया, तो पाकिस्तान ज़्यादा क्लोज नहीं हो गया ज़्यादा कि अब Not missing Canada much. बिल्कुल ऐसा ही है। In fact, पाकिस्तान में I feel like बहुत ही comfortable life है, because Canada में you know you've probably heard वहाँ पे हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है। यहाँ पे आप अपने गाड़ी में गैसोलीन भी जब डालते हैं तो आप खुद उतर के डालते हैं, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम pampered हैं और घर में domestic help होती है, तो of course काफ़ी drastic change आया है। एंड बट मुझे कनाडा भी पसंद है लेकिन अब मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ पाकिस्तान से, सो डेफिनेटली एडजस्टमेंट में इशू तो होगा अगर मैं वापस जाऊँगी तो। अच्छा, इतना मतलब जो लोग जो ड्रामे में आ रहे होते हैं वो बड़ा देखते हैं कि शुरू शुरू में भी कि हमें क्या कौन सा रोल करना है कैसा नहीं करना, तो आप भी इसी तरह देखना शुरू हुई हो या नहीं, अभी आप देख रहे हो कि नहीं मुझे इस वक्त काम करना है एंड आई वॉन्ट वेरी वेरी डिफरेंट रोल्स? आई नो पीपल से कि फिनिकी और पिकी होना चाहिए रोल्स के बारे में, बट मैं नहीं होती बिकॉज आई एम सो पैशनेट अबाउट माई वर्क। मैं अपने वर्क को बहुत इन्जॉय करती हूँ, तो जॉन से भी रोल्स मेरी तरफ आते हैं, व्हाटएवर ऑफर कम्स टू मी मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जिस तरह आपने भी एक नागन का भी रोल किया है, एंजॉयिंग दैट, कितना मजा आया। लोग क्या सोचते होंगे कि अच्छा हाँ कुछ मतलब पता नहीं कैसा रोल होगा क्या होगा, लेकिन ये कि एक तो लुक्स बहुत अच्छे आए हैं उसमें, जब लोग देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये कि वेरी नाइस, आई मीन आपका अपना एक रोल बड़ा डिफरेंट है उसमें। बिल्कुल, आई मीन आई हैव नेवर प्लेड अ नागिन बिफोर, लेकिन मेरी जाहिर बात है नागिन कैसे पहले आपने प्ले किया होगा ना, कहीं इधर उधर जाते हुए, ये तो नहीं है कि कभी आप नागिन बन गए होगे, ऐसा तो नहीं होगा। उसमें एक्चुअली थोड़ा मुश्किल इस तरह से है कि हमें ड्रेसअप बहुत है, हमारा मेकअप, हमारा हेयर, इन चीज़ों पर बहुत फोकस है, लेकिन इन द एंड खावर रियाज बाय द वे ही इज डूइंग आवर मेकअप एंड आई फील लाइक ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छा वो दिखा रहे हैं। बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी से ऑन एयर हो जाए बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हेयर एवरीवन्स फीडबैक ऑन इट। ओके, आपने सिटकॉम भी किया है जो सोशल मीडिया के लिए राइट है ना, या नहीं वो चैनल के लिए था? कौन सा वाला? जवाद, जवाद बशीर का मैंने किया था, बिल्कुल खेल तमाशा, इट वॉज फॉर स्टार्स प्ले, जिस तरह हमारे उर्दू फ्लेक्स और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, उस तरह स्टार्स प्ले के लिए किया था। तो कैसा रहा था एक्सपीरियंस? ओफ, आई लव्ड इट। जवाद बशीर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स एंड ही इज़ सुपर टैलेंटेड, तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला एंड काफ़ी अच्छी वो मेरे कोलीग हैं, अच्छे फ्रेंड भी बन गए हैं, तो बट डिफरेंट रहा एक मतलब ये रोल बिल्कुल डिफरेंट, सिटकॉम इज बिल्कुल डिफरेंट, हर चीज़ मतलब आपने अलग अलग लिए, तो कुछ फील होता है कि ये चीज़ मैं अच्छी तरीके से कर सकती हूँ, ये वाला रोल नहीं मुझे, मैं नहीं करना चाहती हूँ, या होता है नहीं करना ये वाला रोल? वो कहते हैं कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है, यू नो, बट आई डोंट नो, जब मैंने किया था जवाद बशीर के साथ, आई डोंट नो इफ इट वाज बिकॉज ऑफ जवाद बशीर और व्हाट, लेकिन मैंने तो बहुत आसानी से कर लिया था। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस होस्टिंग का भी रहा है, वो कैसा था? होस्टिंग का बिल्कुल रावा है, लेकिन मैं होस्टिंग को इतना एंजॉय नहीं करती जितना मैं एक्टिंग को करती हूँ। एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आया? बिल्कुल। मॉडलिंग? मॉडलिंग हाँ, बट एक्टिंग इज मोर फन, मॉडलिंग इज ओके, इट्स गुड मनी, बट मज़ा तो मुझे एक्टिंग में आया एक्चुअली। व्हाट अबाउट रैम्प? वैसे पैसे को छोड़कर रैम्प इज गुड, वो अपना ही एक फील होती है जब आप जाते हो ना, ऑल द लाइट्स फ्लैशिंग एट यू, तो उस वक्त एक अपना ही रश होता है, तो उस पर भी एंजॉय किया आपने। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपकी मॉर्निंग रूटीन क्या होती है, सुबह क्या जल्दी उठने वाले हो या जल्दी सोने वाले हो, क्या है?
एक्चुअली आई डोंट रियली हैव अ रूटीन बिकॉज हमारे शूट्स जो होते हैं दे वेरी, समटाइम्स सुबह में होता है, समटाइम्स रात में होते हैं, समटाइम्स हम लोग लेट फ्री होते हैं. सो बस मेरा यही होता है कि नींद पूरी करनी है. आजकल दीज डेज, अभी न्यू ईयर के बाद मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया था अपना कि मैं सुबह सुबह नो मैटर वॉट जिम शुरू करूँगी. सो इट्स बिन ऑलमोस्ट आई थिंक 15 डेज हुए हैं शायद, तो अब मैं जिम जा रही हूँ. अदरवाइज मॉर्निंग रूटीन इस तरह होती थी कि अपनी मर्जी से उठना, शूट होगा तो फौरन उठ जाऊंगी, शूट नहीं होगा तो 11-12 बजे तक आराम से सोती रहूंगी. अच्छा, तो मतलब अपना ख्याल रखती हो, लाइक शुरू से ही जिम वगैरह का सीन था या अब शुरू हुआ है? यू नो व्हाट, जिम के लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए होती है और टाइम चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं होता, बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक शूट्स कर रहे होते हैं एंड बाय द टाइम वी कम होम हम लोग इतने थक जाते हैं कि एनर्जी नहीं अलाउ करती आपकी, राइट? बट पहले मैं जिम जाती थी, फिर बीच में मेरा छूट गया था एंड दैट वाज द ह्यूज मिस्टेक, बिकॉज एक दफा छूट जाता है तो आपको वापस रूटीन में आना बहुत टफ होता है. आई थिंक व्हाट हेल्प्स इज अ जिम पार्टनर. आई हैव अ जिम पार्टनर नाउ. सो ये होता है कि अगर मैं फोन मुझे आता है उठो हम जिम जा रहे हैं, मैं कहती हूँ आई एम सो टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, मैं घर के बाहर हूँ, लेट्स गो, आई एम कमिंग टू योर हाउस, यू हैव टू कम. So that helps. I need that sort of a person, a push, you know. कोई changes in सब सालों में देखा आपने, like Canada आई, Canada से यहाँ आई, कुछ changes आए life में मज़ीद, मतलब इसके अलावा कुछ personality में change, कोई अपने आप में change? I think अब मैंने life में जो मेरे अंदर change आया, मैंने अपने गुस्से पे काबू करना सीख लिया. ऐसा तो नहीं कुछ glass पड़ा? You know what, there was a time maybe I would have done that. Really? Like, now, I don't know if it's age, maturity. Ab main bahut tolerant hoon aur ab mujhe gussa ekdam se nahi aata. Colors kya pasand hai? I like all colors. As such, koi favorite color to nahi hai. I like all sort of, mujhe bright colors achhe lagte hain. Red, yellow, purple. Kya style pasand hai pehenne mein? घर में तो आई लाइक टू बी वेरी कम्फर्टेबल, मैं ट्रैक पैंट्स और टी शर्ट पहनती हूँ, बट बाहर थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ता है, अदरवाइज घर में आई जस्ट टाई माई हेयर इन अ बन, रफ मैसी उस तरह, एंड आई प्रेफर दैट बिकॉज हम लोग शूट्स पे इतना होते हैं हैवी मेकअप, बाल हमेशा बने हुए होते हैं, सो समटाइम्स आई जस्ट वांट टू बी मैसी. ओके, पार्ट टाइम में कोई होता है कि अभी मेरा बहुत फ्री टाइम है, मैं इस पर क्या करूँ, क्या करती हूँ फ्री टाइम पे? आई लाइक टू वॉच नेटफ्लिक्स, मूवीज देखती हूँ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ. I like to read sometimes. और read में क्या movies कैसी पसंद है? Movies I like, I love horror movies, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, but मुझे सारे genres पसंद है. Comedy भी देख लेती हूँ, romantic भी देख लेती हूँ, seasons बड़े शौक से देखती हूँ मैं Netflix पे. बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता इतना काम करो, कुछ मिस हो जाए तो फिर क्या करते हो? हाँ, जब काम करो, कब काम कर रहे होते हैं ना seasons, अगर आप देख रहे होते तो आप मिस करना शुरू कर देते हो, कभी कभार स्किप हो जाती हैं. दे कैन बी वेरी एडिक्टिव. लेकिन हाँ, मेरा होता है कि रात को सोने से पहले मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट्स कुछ देख लेती हूँ. ओके, एक्सेसरीज का शौक है, पर्स, बैग्स? हाँ, ऑफ कोर्स. मैं इतना खर्च नहीं करती, बट हाँ आई लाइक माई बैग टू बी ब्रांडेड, अगर होगा तो कोई अच्छा बैग ले लूंगी मैं. ऐसे नहीं, कोई भी ऐसा कोई नहीं होगा. हाँ नहीं, बिकॉज दे आर लॉन्ग लास्टिंग, दे आर मोर ड्यूरेबल, यू नो, इस वजह से. ठीक है, इसलिए भी आपसे बहुत सारा सवाल करेंगे, बड़ा मजा आ रहा है मेरी चार के साथ. सो यू स्टे विद अस. ऑलराइट, हमारे साथ मेरी शाह हैं और वंडरफुल एक्टर, वंडरफुल मॉडल एंड होस्ट एज वेल. मैं तो होस्ट भी कहूँगी ना, क्योंकि आपने होस्टिंग की भी है. अब आगे देखते हैं क्या सीन होता है होस्टिंग में, लेकिन एक्टिंग तो आपकी ज़बरदस्त चल रही है. मूवीज में आने का शौक है? बिल्कुल है. और सुना है मैंने कि डांस का बड़ा शौक है. I like dancing as well. मैं तो actually मुझे टाइम नहीं मिल रहा, वरना मैं कथक सीखना चाह रही थी और मैंने दो दफ़ा निकित चौधरी को अप्रोच भी किया था, लेकिन मैं उनको, वो क्लासेस देती हैं लेकिन मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही थी बिकॉज ऑफ माई शूट्स. थोड़ा सा मेरा फ्री पीरियड आएगा, फिर मैं उनसे दोबारा कॉन्टैक्ट करूँगी एंड इंशाल्लाह कथक भी सीखूंगी. ओके, तीन वर्ड्स में अपने आप को डिस्क्राइब करो. स्टबर्न, पोलाइट एंड जेनरस. अपना कोई फेवरेट अभी तक रोल जो किया? फेवरेट रोल, आई थिंक खेल तमाशा में, आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट परफॉर्मेंसेज. और जो बहुत ही बुरा लगा अभी तक, यार मुझे ये रोल नहीं करना चाहिए था? ऐसा तो मुझे अभी नथिंग कम्स टू माई हेड. आई थिंक मैंने कोई ऐसा काम ना, मतलब कोई ऐसी चीज़ की हो जो नहीं करना चाहती. मैं एक्चुअली रिग्रेट नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है कि हर काम मुझे कुछ नया सिखाता है. इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, तो आई डोंट वांट टू लुक एट इट एज इफ मुझे ये नहीं करना चाहिए था. मुझे पॉलिश ही सारे मेरे रोल्स नहीं किए, अगर वो बुरे भी हुए हैं तो इट्स ओके, आई स्टिल गॉट पॉलिश. यू लर्न योर लेसन. आई लर्न माय लेसन. ओके, ऐसा हिडन टैलेंट जो आपके अंदर हो और किसी को नहीं पता अभी तक?
No, I don't have a hidden talent. I think everybody knows about. गाने का मैं पता है, गाना बहुत अच्छा गाती हैं, डांस बहुत अच्छा करती हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं. वैसे गाने वाला जो आप बात कह रहे हो, that was somewhat hidden from me as well. मुझे नहीं पता था मैं अच्छा गाती हूँ. मुझे जब मैं एक दफ़ा हारून कदीर, सरमद कदीर के जो भाई हैं, उनके स्टूडियो गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गाना गा लो. तो when I sang in front of them, they told me you're really good. And coming from singers, फिर मुझे समझ आई कि शायद मैं गा भी सकती हूँ. ओके, अच्छा ये बताओ कि खाने में क्या ऐसी चीज़ें जो बस देखकर रहा नहीं जाता, खाना है ये? बिरयानी. कौन सी वाली? कराची वाली? कराची वाली, लाहौर वाली नहीं. बिरयानी तो कराची की सही होती है. अच्छी होती है. अभी तक क्यों नहीं बना पाए हैं सब ये दूसरे शहरों में, मतलब कराची से? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. कराची में कुछ और ही है. लाइक एज सून एज यू ईट द बिरयानी देयर, यू कैन टेल द डिफरेंस, यू कैन डिफरेंशिएट कि ये कराची की बिरयानी. दैट्स नॉट पुलाव एक्चुअली, दैट्स बिरयानी. इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस ही होता है. ये पुलाव को बिरयानी भी कह रहे होते हैं. हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. अब हम क्या करें? और मुझे गोलगप्पे भी बहुत पसंद है, बाय द वे. ओके, गोलगप्पे, गोलगप्पे, चना चाट. हाँ, आई एम बिट चटखोरी. चटपटा चीजें. बट आई थिंक कराची जाके जरूर टाइम स्पेंड करो, वहाँ पे बड़ा चटपटी, बहुत चटपटी चीज है. मेहरीन, अब थोड़ा सा मुश्किल मरहला है, ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा सियासत से इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा. चलें, आई विल ट्राई माय बेस्ट. मैं उन सियासतदानों के नाम लूंगी जो आप बताएंगी कि अगर सियासतदान ना होते तो फिर क्या होते. ठीक है, लेट्स ट्राई दिस. चलें ट्राई करते हैं. शेख रशीद, चाय वाला. ओके, बिलावल भुट्टो. आई थिंक ही शुड हैव बीन अ मेकअप आर्टिस्ट. ओके, नवाज शरीफ. I guess he could work, he could deal with property. All right. Murad Said? Murad Said would have to be a host. He can talk well, so a host. Or Fawaja Asif? Professor, maybe. All right. And Imran Ismail? SHO. बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है वैसे आपकी, गलत ऑब्जर्वेशन नहीं है. ऑलराइट, वैसे इन सब सियासतदानों में आपको पर्सनली कौन पसंद है? इन सब में से? नहीं, इन सब में से नहीं, ओवरऑल. आई थिंक आई नो कि काफ़ी लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, पर मुझे इमरान खान पसंद है, बिकॉज मुझे लगता है कि वो करप्शन को एलिमिनेट कर रहा है. तो इस वजह से आई एम हैप्पी विथ हिम. थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई नो महंगाई है एंड ऑल दैट, बट eventually let's hope for the best. ओके, ग्रेट ग्रेट. चलिए, आपके कुछ पिक्चर्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, और बड़ी मज़ेदार पिक्चर्स हैं. अच्छा, ये एक आपकी है बेंच के ऊपर, ये कहाँ की है? ये हम शूट कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट था मोहब्बत मोम का घर, उसकी शूट पे हम ये किसी पार्क टाइप जगह आए थे इस्लामाबाद में. तो आई आस्क्ड माय मेकअप आर्टिस्ट टू टेक अ पिक्चर फॉर मी एंड ही डिड. वेरी नाइस, वेरी वेरी नेचुरल पिक्चर. अच्छा, ये दूसरी पिक्चर जो है, ये आप देखिए, बिल्कुल आपने स्ट्रेट बाल रखे हुए हैं, वेरी डिफरेंट लुक, बड़ा अच्छा सा लुक लग रहा है इसमें. ये एक शूट के लिए थी. अच्छा, ओके. और उसके साथ ही बिल्कुल एकदम ड्रास्टिक चेंज, डिफरेंट कर्ली बाल, और बिल्कुल डिफरेंट लुक आ रहा है. मतलब स्ट्रेट में बिल्कुल डिफरेंट लुक आ रहा है, कर्ली में बिल्कुल डिफरेंट लुक है. बिल्कुल, ये भी जो कर्ली बालों वाली है, ये भी एक ब्रांड था, ब्रिटिश ब्रांड था, आई थिंक कोई लंदन फिदा करके नाम था, उसकी शूट के लिए. ओके ओके, सही. और साथ ही एक और पिक्चर भी जिसमें हाथ ऐसे करके किया हुआ, ये. हाँ, ये मैंने ईद पे ली थी. ईद पे? अच्छा, ये ईद पे वैसे शौक है ऐसे बहुत ज़्यादा तैयार होने का? आई मीन यस, बिकॉज आपकी सारी फैमिली आ रही होती है, मिलना जुलना होता है. तो कनाडा में क्या करते थे? कनाडा भी करते थे. इनफैक्ट कनाडा में हम ज़्यादा ओवरबोर्ड जाते थे, बिकॉज हम लोग यू नो देसी ज़्यादा झुमके होते थे. हाँ, बिकॉज ज़्यादा कढ़ाइयाँ होती थी, ज़्यादा तैयार होते थे, खुशी से होते थे. वी यूज्ड टू बी ओवर एक्साइटेड, बिकॉज इतना वो ईस्टर्न पहनने को मिलता नहीं है वहाँ पे, यू ओनली वेयर वेस्टर्न मोस्टली. सो जब मौका मिलता था, वी यूज्ड टू गो ओवरबोर्ड. छुट्टी होती थी वहाँ पर आप लोग की या नहीं, या काम पर जाना होता था? यू नो व्हाट, हमें छुट्टियाँ मिलती थी. कैनेडियन पीपल जो है वहाँ पे काम से भी आपको छुट्टी दे देते हैं. वो उस तरह डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, अगर कोई चाइनीज है, उनका कोई चाइनीज हॉलीडे होगा तो वो उनको दे देंगे काम से छुट्टी. और क्रिश्चियंस को उनकी क्रिसमस की मिलती है, और हमारी हमें ईद पे मिलती थी. ओके ग्रेट. अच्छा, ये कोई तस्वीर में आप अपने आप को देख रही हैं, इसी तरह दिखती रहती हैं वैसे ज़्यादातर या नहीं? हाँ, ये भी शूट की ही थी एक्चुअली, ब्राइडल शूट. जैसे शौक है अपने आप को आईने में देखने का? बहुत ज़्यादा नहीं, आई मीन नॉट रियली. बाजों को तो गुजर रहे होते हैं, साइड पे आना होता है, उधर देखते भी जाते हैं कैसे लग रही हूँ. वैसे ही अगर मैं यू नो शूट पे जा रही हूँ, या कोई मेरा शॉट होने वाला है, तो आई विल फिक्स अप माय हेयर, और मैं अपने आपको गौर से देखूंगी कि सही लग रही हूँ कि नहीं. बट जनरली अगर मैं मॉल में चल रही हूँ, शीशा आ गया,
आई वुडंट बॉदर, नहीं बॉदर कर रहे ओके. बात होता है ना, हर शॉट के बाद मुझे दिखाओ मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसा तो नहीं होता. आई थिंक बस क्लोज जब लेते हैं ना, एक तो मास्टर शॉट होता है उसमें तो पता नहीं चलता, जब आपका क्लोज शॉट आता है तो फिर हाँ थोड़ा सा पाउडर लगाना पड़ता है आपको कि कहीं से स्वेटिंग तो नहीं हो रही कहीं से, मतलब वो उस हद तक देख रही हूँ, उस हद तक बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं शीशे से. आई एम नॉट ऑब्सेसिव. ओके, फिर आपका ऑब्सेशन जो है वो डांस से है. I like to dance. I think it's a good workout. Zumba dance भी कर लेती हूँ sometimes. Just इसके लिए अच्छा डांस करने वाला होना चाहिए ना. आपकी एक वीडियो हमारे पास आई है जिसमें आपने अपनी बहन की शादी पे बड़ा ही प्यारा डांस किया था. तो वो हम देखते हैं और फिर उसको थोड़ी सी बात करते हैं. ठीक है, जरा वीडियो तो देखें. कितनी क्यूट वीडियो है और कितना कोरियोग्राफी किसी ने की थी क्या? नहीं, हम आपस में सारे फ्रेंड्स जो थे इकट्ठे हो गए थे मेरी बहन की शादी से पहले. हाँ. तो हम लोग आपस में ही मूव बना रहे होते थे. Really? हाँ, इतना अच्छा डांस बनाया. हाँ जी. वेरी नाइस. और प्रैक्टिस कितने दिन पहले शुरू की थी? काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी बिकॉज हमारे पास बहुत बड़ा ग्रुप था. अ बंच ऑफ आवर फ्रेंड्स वी यूज्ड टू गेट टुगेदर. तो आई थिंक हमने महीना पहले शुरू कर दी थी प्रैक्टिस. और ये कितनी पुरानी वीडियो है? अभी शादी हुई है मेरी बहन की, ये पिछले दिनों जनवरी में ही हुई है. जनवरी में हुई है. ओके ओके. दिसंबर में हुई है, सॉरी, दिसंबर के एंड में, मतलब बिल्कुल अभी हुई ना, रिसेंटली. ठीक है, ओके, वेरी नाइस. मतलब यू हैव डन माशाल्लाह वेरी गुड डांस एंड एज वेल एज यू लुक सो गुड, सो नाइस. अच्छा, अभी एक और वीडियो भी हमारे पास, वो भी देखते हैं. लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कभी कोई आपको आइटम नंबर करने का कहे तो आप करेंगे क्या? ऑनेस्टली आई वुड. यू नो व्हाई? बिकॉज आई थिंक डांस इज एन आर्ट. ये परसेप्शन की बात होती है. हमने एक बनाया हुआ है कि वो आइटम नंबर करेगी तो इट्स अ वेरी बैड थिंग. ये आपका परसेप्शन है. इन माई ओपिनियन इट्स जस्ट अ डांस. हाँ, मैं आइटम नंबर ज्यादा वल्गर कपड़े पहन के नहीं करूंगी. आई वुडंट डू दैट. बट इफ इट्स जस्ट डांस, इट्स जस्ट अ डांस. इट्स जस्ट डांस. ठीक है, सही है, फिर सही है. ओके, फाइन. मतलब अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी. एग्जैक्टली. ऑलराइट, एक और वीडियो देखते हैं. उस पर देखते, जो हमने इनके गाने की बात की थी ना, कि इनके छुपा हुआ टैलेंट, वो कहते हैं ना हिडन टैलेंट है, वो उसमें नजर आया हमें. तो हमने कहा फौरन से इस वीडियो को आपको भी दिखाते हैं. कितना अच्छा गाती हैं, कितनी प्यारी आवाज है. मैं थोड़ा सा भी गुनगुनाएंगे कुछ? हल्का सा. ओके, आई हैव अ बैड थ्रोट राइट नाउ बाय द वे. बस ऐसे ऐसे बस ऐसे जैसे बस. आई कैन नॉट चेंज माय आंसरिंग मशीन नाउ दैट आई एम अलोन cuz right now it says that we can't come to the phone and I know it makes no sense cuz you walked out the door. But it's the only way I hear your voice anymore. Wow, so nice, very nice. Thank you. अच्छा, सिर्फ गाने में गाना नहीं होता, उसमें expressions भी होते हैं और आपके भरपूर expressions जो है ना वो भी आए हैं. Thanks. है ना, मेरे ख्याल में future आप ना singer भी बन सकते हो. बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपने आपको bathroom singer कहती हूँ. आप I think overpraise कर रहे हो, but हाँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि you're a good singer. Unfortunately, my sister is the, she says the complete opposite. क्योंकि वो पियानो भी बजाती है और उसकी बहुत अच्छी आवाज है. अच्छा, तो वो मुझे कहती है कि यू आर टोन डेफ. ठीक है, उसको नोट्स का पता है, शी नोज हर म्यूजिक. लेकिन मुझे अक्सर लोगों ने कहा था यू सिंग वेल, तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ. एम आई गुड और नॉट? 50-50 रिव्यू. बहुत अच्छी हो. और कनाडा में बहुत अच्छे म्यूजिक स्कूल्स भी, अगर आप जा रहे हो कनाडा तो आई मस्ट आई गिव यू सजेशन कि आप वहाँ जाके एक म्यूजिक स्कूल बेशक आप एक महीने के लिए आप अटेंड करो, पर आप जाओ. हाँ, आई गेस इफ आई पॉलिश माई सेल्फ, इफ आई लर्न म्यूजिक तो मे बी आई कुड. इट्स रियली गुड आइडिया. महरीन, हम आपसे पूछेंगे वो सवाल जो पहले कभी किसी ने आपसे नहीं किए होंगे, और वो सवाल करेंगे हम आफ्टर द ब्रेक. और लाइफस्टाइल में महरीन शाह हमारे साथ हैं और इनसे हम सवाल करेंगे वो सवालात जो कहीं और आपसे नहीं हुए होंगे. तो महरीन, ये हमारे पास कार्ड्स हैं. ओके. इनमें सारे सवाल लिखे हुए. आप बताएं पहला सवाल कौन सा करें आपसे. खुद कार्ड उठा के देंगे आप. लेट्स गो विद ब्लू. ओके, यू लाइक ब्लू? कैट फाइट. कैट फाइट ये मुझे आप देंगी. कैट फाइट. किधर की कैट फाइट? एक दफ़ा हुआ था ये सिनेरियो. मैं शूट पे थी एंड एक मॉडल थी, आई गेस शी गॉट अ बिट इनसिक्योर. ठीक है, तो वो जब मेकअप हो रहा था तब भी वो थोड़ा सा ना मिसबिहेव कर. पहले बताओ प्यारी थी या नहीं थी? I don't want to comment. प्यारी थी. She was okay. She was in drop dead gorgeous. So you were prettier, na? I guess maybe that's why she got insecure. I don't know क्या रीज़न था उसका,
बट पहले वो ड्रेस पे लड़ी, उसके बाद व्हेन आई आस्क्ड हर एक्सक्यूज मी तो शी वाज लाइक आप उधर से जाएं पीछे से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत क्राउडेड था मेकअप रूम में, जगह नहीं थी उसने. सो आई न्यू कि थोड़े से हमारे रिफ्रैफ होने वाले हैं, लेकिन आई यू नो स्टेड काम एंड कूल. हमारा नया नया था उस वक्त वो आना, उस वक्त और वो पुरानी थी या नई थी? वो भी नहीं थी, आई मीन शी इज नॉट अ वेल नोन मॉडल, इतनी फेमस नहीं है वो. तो उस वक्त जब हम लोग पैकअप हो गया, थके हुए थे, अच्छा मेरा अगले दिन भी शूट था, हम लोग जब गाड़ी में बैठे थे सबको इकट्ठे पिक किया हुआ था, तो शी वॉज टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट बैक इन द कार. 20-25 मिनट उसने मुझे वेट कराया. फाइनली जब वो बाथरूम से आई, शी स्टार्टेड हैविंग अ सिगरेट, ठीक है, वो सिगरेट पी रही थी. तो आई पोलाइटली रिक्वेस्टेड कि आप प्लीज़ अंदर आके सिगरेट पी लें, क्योंकि मैंने हमने जाना है, राइट. तो वो मुझे देखे ना, वो और स्लो हो गए ऐसे, इस तरह यू नो लाइक फुल एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि बॉदर के तुम्हें जैसा भी लगे. एग्जैक्टली, यू नो, और स्लो हो गए. सो मैंने वो भी बात जाने दी. उसके बाद उसने गाड़ी में ऊंचे गाने लगा दिए, ठीक है, एंड आई केप्ट ऑन टेलिंग हर आहिस्ता करें आहिस्ता करें, नहीं कर रही. आई टोल्ड हर कि हम रिंग रोड लेके जाएंगे, व्हिच इज गोना बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस, बिकॉज लाहौर की बात है, क्योंकि लाहौर की बात है बिल्कुल. तो बिकॉज उसके ईगो के ऊपर बात आ गई थी, वो कहती नहीं हम दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे, जहाँ पे रास्ता था, जहाँ पे ट्रक्स ट्रॉले और यू नो मोटरसाइकिल्स रिक्शाज. एनीवेज हमारे इस बात पे थोड़ा सा यू नो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन फिर मैंने तब भी उसकी बात मान ली. अब हम लोग जब जा रहे थे, तो जब वो पहुंची अपने डेस्टिनेशन पे, एकदम से कहती मैंने यहाँ नहीं उतरना, मैं अब मेरी फ्रेंड की कॉल आई, मैं पार्टी पे जा रही हूँ, तो अब मैं DHA ही जाऊँगी, डिफेंस जहाँ मैं रहती हूँ. सो आई वाज लाइक आपका तो कोई भरोसा नहीं, आपका प्लान कब चेंज हो जाए, तो अब मैं पहले उतरूंगी, क्योंकि शी मेड मी वेट वे टू लॉन्ग. और ऑलरेडी आई थिंक रात के 2-3 बज रहे थे, अगले दिन मेरा फिर से सुबह 7 बजे शूट था. और उसको पता भी नहीं थी कि उसका शूट है या नहीं, उसका शूट नहीं था मेरा था, एंड आई इवन एड्रेस दैट कि प्लीज मुझे पहले जाने दे. अच्छा, एनीवेज उसके बाद शी वहां पे शी स्टार्टेड यू नो टोन ऑफ वॉइस उसकी चेंज हो गई, काफी रूड हो गई, देन शी पुश्ड मी, ठीक है, जब उसने मुझे धक्का दिया, वी गॉट इनटू अ फिजिकल फाइट. ये गाड़ी में हो रहा था सब. Basically, we had stopped at the place where she had to be dropped. Okay, ठीक है. क्योंकि पहले तो उसने डेस्टिनेशन चेंज कर ली कि हम लोग DHA जाएंगे. ठीक है. अब हम लोग जब जा रहे थे, तो उसी की जहाँ पे उसे उतरना था वहाँ रुक गया. वहीं पे आप लोग रुक गए और वहीं पर ही आपने उसे कहा कि अब हम मतलब मैं अपनी तरफ जाऊंगी और आपने उसकी सेकेंड लोकेशन पे हम पहुंच गए थे. बट I told her कि नहीं पहले मैं उतरूंगी, बिकॉज उसने बहुत बदतमीजी कर दी थी, यू नो पहले से ही काफी बॉर्डर था. बाहर बाहर खड़े हुए थे तुम लोग, दरवाजा खुला था, it was like a coaster and like it was a sliding door. So she pushed me because I was standing in front of the door and I said I'm going to get off because you have been very disrespectful and I'm not going to tolerate this. मेरे भी ईगो पे बात आ गई थी, I guess. And she pushed me. वहाँ से हमारी physical fight हुई. बाल वाल खींचे थे, ये क्या हुआ था, किस तरह की फाइट थी? हाँ, तो it was a physical fight ना, उसने मुझे धक्का दिया, तो वहाँ से बस हाथापाई शुरू हो गई हमारी. But I did win the fight. Okay. Just so everyone knows. कैसे, कोई सीखा मैं कहीं से या क्या? नहीं, उस वक्त एक्चुअली मैं बहुत हार्ड कोर जिम कर रही होती थी, तो मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू नो वेट लिफ्टिंग वगैरह करती थी, और ऊपर से मेरा एक ट्रेनर था, तो उसने थोड़ी बहुत, खैर आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एनीथिंग, उसे किक बॉक्सिंग भी सिखाई हुई थी मुझे. अच्छा, तो फिर फाइट मतलब कुछ तो सीखा हुआ था ना, इसलिए तो. But like very beginner. तो किसी ने बचाया नहीं बीच में आकर? मेकअप आर्टिस्ट थे, ड्राइवर भी था वहाँ पे, उसके बाद फिर टीम आ गई, उनको फोन उन्होंने किए, टीम भी आ गई रुकवाई. फिर एक्चुअली उसकी रेपुटेशन थोड़ी सी डाउन थी, एवरीबडी सॉर्ट ऑफ न्यू कि ये पंगे लेती है और फाइट यू नो जान जान के इंस्टिगेट करती है चीज़ें. तो ऑब्वियसली आई हैड अ विटनेस एज वेल, जो मेकअप आर्टिस्ट थी उन्होंने भी सब कुछ विटनेस कर लिया था, तो सब कुछ मेरे फेवर में ही हुआ था. ओके, चलो यहाँ पर तो ये कि विटनेस होने की वजह से आप बच गए है ना, वरना लोग कहते नहीं ये भी ऐसी दोनों ऐसे. चलो गुड, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो विद रेड नाउ. घर में जिन आ गया था, मतलब रियल रियल जिन था कोई वो? ओके, सो दिस हैपेंड इन कैनेडा, ठीक है. मेरी जो मॉम थी उनको हमेशा से डाउट था कि हमारे घर में कुछ है, तो मुझे बोलती थी महरीन मैंने देखा है उस डेन से किचन तक एक ब्लैक शैडो गया है, लाइट ऑन ऑफ. कैनेडा में कौन सा एरिया था ये? दिस वाज फोकवे ड्राइव, मतलब कोई अपार्टमेंट्स थे, घर था? इट वाज अ कॉन्डो. Condo means like it's like an apartment but like two floors. Okay, right. So उधर हम लोग रह रहे थे and she used to witness कि कोई shadow गया इस कमरे से उस कमरे तक, you know. And I never believed her, none of my sisters did. लेकिन एक दिन मैं और मेरी छोटी बहन, हम लोग आराम से टीवी देख रहे थे, मेरी बड़ी बहन बाथरूम से बड़े गुस्से से नीचे आई है and she started yelling at me कि ये क्या मजाक है, ये क्या किया तुमने, and I was like क्या किया, you know. तो वो नहा रही थी, और जब आप गर्म पानी से नहाते हो तो बाथरूम में स्टीम जम जाती है. हाँ. तो वो कहती है कि उस पर
किसी ने गाली लिखी हुई थी विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. वी डिडंट बिलीव हर. वी वेंट अपस्टेयर्स, देखा तो लिखी हुई थी. सो वी एंडेड अप टेलिंग आवर मदर. अम्मी को बताया. अम्मी को तो ऑलरेडी डाउट था कि घर में कुछ है. कुछ है, हाँ, हाँ. तो उनको समझ आ गई. तो उन्होंने विंडेक्स, एक होता है क्लीनिंग प्रोडक्ट, कांच साफ करने वाला, उन्होंने स्प्रे किया, सब कुछ साफ किया. आई डोंट नो व्हाट शी वाज थिंकिंग, व्हाई शी डिड दिस, लेकिन उन्होंने फिर पानी दोबारा चला दिया. ठीक है. अब हम लोग वेट कर रहे हैं. हम लाइक, मम्मा क्या कर रही हो आप, क्या चाह रही हो, यू नो. शी लाइक, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ. देखा, अब हम सारी बहनें खड़ी हैं, मम्मा भी साथ हैं, हमारी आंखों के सामने लिखा आया, हाय आई एम जॉन. Oh my God. तुम लोग की क्या फीलिंग हुई थी, मतलब कुछ डरे क्या हुआ था? You'd be surprised because आप लोग सोचोगे कि डर लगा होगा, right? But क्योंकि हम लोग सारे इकट्ठे थे, उस वक्त मुझे डर नहीं फील हुआ. In fact मैं तो बहुत curious हो गई और मैं उससे बातें करने लग गई. Who are you? What do you want? क्या चाहिए तुम्हें? तो मेरी मामा ने ऐसे करके हल्का सा मुझे ऐसे मारा. क्या तुम पागल हो गई हो, तुम क्यों बात कर रही हो, चुप हो जाओ, नहीं बात करनी. एंड उसके बाद उन्होंने ना आयतल कुर्सी और यू नो कुरानिक वर्सेस रिसाइट करना शुरू कर दिया. अच्छा, वाइल शी सेइंग ऑल दीज वर्सेस, तो व्हाटएवर इट वाज, जिन, डीमन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, उसने सॉरी बोला. उसने कहा, सॉरी आई लीव. एंड बिलीव इट और नॉट, वो अपनी पंक्चुएशन को लेके इतना वो सही था कि उसने जब आई लिखा ना, उसका अपोस्ट्रोफी तक डाला हुआ था. Oh my God. यानी कि क्या चीज थी ये? आई डोंट नो व्हाट इट वाज, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि ये इंसिडेंट मेरी जिंदगी में हुआ. बिकॉज ग्रोइंग अप इन कनाडा, बिकॉज वो बहुत एक डाइवर्स कंट्री है, तो मेरे फ्रेंड्स एथियस्ट भी रह चुके हैं, क्रिश्चियंस भी, हिंदूज भी. एंड समटाइम्स मैं अपने रिलीजन को लेके थोड़ा डाउट करती थी, मुझे नहीं समझ आती थी, यू नो. तो मैंने खुदा से यही दुआ की होती थी कि मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जिससे मेरा जो है ईमान पक्का हो जाए, मजबूत हो. हाँ. एंड आई गेस यही वो एक्सपीरियंस था. बिकॉज मेरा ये मानना है, व्हाटएवर इट वाज, वेदर यू वांट टू कॉल इट अ डीमन, स्पिरिट, गोस्ट, उसने सॉरी बोला है कुरानिक वर्सेस सुन के. सो दैट वाज आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट था जिसपे आपने ईमान आपका बहुत मजबूत हो, क्योंकि अल्लाह का कलाम जब पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर जो भी आपके लिए बेहतरी होती है वो आपके लिए बेहतरी होना शुरू हो जाती है, बेहतर से बेहतर हो जाता है. और उसके बाद उस घर में कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ, लेकिन माय मॉम स्टिल सोल्ड दैट प्लेस. ओके, सही है. पर ये कि आपका इतना ईमान हो गया, आप कहीं भी जाते हो तो दुआ को आप जो है वो कंटिन्यू रखते हो. बिल्कुल बिल्कुल. वेरी नाइस, गुड. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट ब्लू अगेन. लेट्स गो विद ब्लू. ऑलराइट, ब्लू. थप्पड़ों की बारिश, ये कहां की थप्पड़ों की बारिश आपने कर दी, ये क्या था, क्या हुआ था? एक दफ़ा हुआ था ये. देर वॉज अ पर्सन इन अ पार्टी हु मिसबिहेव्ड विद मी. मिसबिहेव किस लिहाज से? आई हैड अ पर्सनल वेंडेटा विद हिम. ठीक है. ही हैड अ पर्सनल वेंडेटा एक्चुअली अगेंस्ट मी. तो उसने ना मेरे पार्टीज में, आपको पता है कि थोड़ा गेस्ट लिस्ट वगैरह होती है, तो मेरे फ्रेंड्स को अंदर नहीं आने दे रहा था, हालांकि उसकी पार्टी भी नहीं थी. सो उसने थोड़ा सा मुझे ट्रबल किया. And I got in the party and I knew he was responsible because मुझे मेरे थर्ड फ्रेंड ने बता दिया on text message के उसने सब कुछ किया है. So I got really pissed and मैंने उसको तीन थप्पड़ लगा दिए थे. Okay. तो उसने आगे से react नहीं किया कि he was angry, लेकिन no, I have to give him that कि उसने नहीं कुछ नहीं किया. चलो यहाँ पर उसका जो है वो conversation, he deserves respect for that. ठीक, you know, that's a good thing. That's a good thing. चलिए सही, good. All right, next question. Okay, we only have this red one left. Yes. So let's go with that. मतलब फ्लाइट भी मिस कर चुकी हैं. कब, कैसे, कहाँ? एक दफा मैंने फ्लाइट मिस की थी. हम लोग मालदीव से अबू धाबी गए थे. And it was my whole खानदान, my मामू, मामी, खाला, खालू, cousins. सब लोग फ्लाइट पर चल गए, लेकिन मैं और मेरी मॉम ड्यूटी फ्री की शॉप पे थोड़ा सा वी गॉट अ लिटिल कैरीड अवे. शॉपिंग का शौक नहीं, लेकिन वहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे. किसकी शॉपिंग हो रही थी, आपकी मम्मी की? हम लोग बस देख रहे थे, यू नो, चीजें, परफ्यूम्स, मेकअप, इधर उधर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे होते कि वो ये. और मामा थोड़ा सा डिपेंडेंट थी कि महरीन, पता होगा, वो मुझ पर सब कुछ डाला हुआ था. मैंने कहा मेरी मॉम साथ है तो उनको पता होगा. तो हम लोगों ने थोड़ा इस तरह केयरलेसनेस दिखाई. एंड थर्ड ऑप्शन ये था कि अनाउंसमेंट हो जाएगी. फनी थिंग इज, उस दिन अनाउंसमेंट नहीं हुई, व्हिच वाज वेरी वियर्ड, बिकॉज़ एयरपोर्ट पे यूजुअली अनाउंसमेंट हो जाती है बोर्डिंग से पहले. फिर मिस होगी फ्लाइट. मिस हो गए. अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब उसको कॉम्पेंसेशन किया कि उन्होंने कि फ्लाइट मिस होने की वजह से, क्योंकि उन्होंने अनाउंस तो कर देते हैं नाम कम से कम. हाँ, सो वी वेंट टू द एमिरेट्स काउंटर. तो उनको मैंने बताया कि आप लोगों ने अनाउंस नहीं किया. वहाँ पे थोड़ा सा हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बट दे वर वेरी गुड, उनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी थी.
उन्होंने हमें स्टे दिया और अगले दिन की फ्लाइट दे दी एंड वी एक्चुअली एंजॉयड द स्टे मोर बिकॉज फिर हम दोबारा बाहर निकल आए शॉपिंग ये एक्सपीरियंस भी हो गया कि फ्लाइट मिस होने के बाद कितनी तकलीफ और दुख होता है राइट एक और सेगमेंट हमारा बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट ओके इसमें हम आपको आर्टिस्ट बना देंगे आप ड्राइंग करेंगी प्रॉपर और एक सेलिब्रिटी के पिक्चर बनाएंगी जो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी आपने पिक्चर बनानी है और फिर आप बताएंगी कि कौन सेलिब्रिटी है आई एम अ टेरिबल आर्टिस्ट लेकिन आई कैन ट्राई कोशिश कर सकते हैं ठीक है चलते हैं मजेदार सेगमेंट ड्राइंग सेगमेंट की जानिब और उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे स्टे विद अस और लाइफस्टाइल में मेरीन शाह के अभी हम देखेंगे आर्टिस्टिक कमालात तो मेरीन आप तैयार हैं लेट्स डू इट वैसे आई डोंट थिंक आई एम गोना बी गुड एट दिस लेकिन कोशिश करते हैं ठीक है मैं एक सेलिब्रिटी की तस्वीर के बारे में डिस्क्राइब करूंगी आपने बनाना है और बाद में आपने गेस करना है ओके तो इतनी अच्छी आप बनाएं कि आप गेस भी कर पाए ना लेट्स टेस्ट माय आर्टिस्टिक स्किल्स कोशिश करते हैं वैसे अच्छी हो आर्ट में या नहीं Not really. Okay. Let's start. Okay. सबसे पहले तो हम फेस कट से शुरू करते हैं और फेस कट जरा वो पता है क्या थोड़ा थोड़ा आपकी तरह का है okay. लेकिन थोड़ा सा और यहाँ से लंबा है और थोड़ा सा But it's a male, ठीक है? It's a male. Male है. सही है? Okay. अच्छा अब नाक बताऊं फे वो बताऊं लिप्स बताऊं या आईज बताऊं पहले किसके बारे में Let's start with eyes. Okay, eyes. आईज जो है आईब्राउ है थोड़ी सी घनी है लेकिन बहुत ऊंची नहीं है लाइक जरा सी स्ट्रेट कर करी है स्ट्रेट करके हाँ मतलब बहुत और थोड़ी घनी है थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है इतनी ज़्यादा ना बना देना कि बिल्कुल जंगल ही बन जाए ठीक है so terrible. जंगल बना दिया तुमने oh God. Please, eyebrows ही बनाना कुछ और नहीं है ठीक है ठीक है ओके आईज जो है वो बड़ी आँखें हैं और कलर्ड आँखें हैं मतलब कलर है आंखों में ना मतलब ग्रीनिश सा कलर है उनका ठीक है बड़ी आंखें हाँ बड़ी आंखें हैं मतलब आईब्रोज से मैचिंग है फेस कट से मैचिंग है बहुत ऐसा ना हो बिल्कुल ही ऐसी भी बड़ी ना हो कि बिल्कुल भूत लगे ठीक है ना ओह गॉड क्या बना रही है अभी मुझे कुछ नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता ओह गॉड दिस इज कि क्या हो रहा है अच्छा नोज स्कैरी ओके नोज जो है वो जरा सा मतलब अच्छा है लंबा है और नोस्ट्रिल थोड़े से उठे हुए हैं It's nice nose, not bad. मतलब good looking person. अब मैं तुम्हें कह रही हूँ good looking personality है तो please ज़रा ख्याल रखना. Let's see good looking personality का क्या हाल होने वाला है. ठीक है. Not guess. अच्छा lips जो है वो full mouth lips हैं. Like good. पूरे full mouth lips हैं. Okay. अच्छी shape है and it's like nice shaped full mouth lips. और थोड़ी थोड़ी उनकी beard और उनकी mustache है हल्की हल्की सी ना. जिसमें वो लड़के रखते नहीं हल्की हल्की वाली हल्की 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 स्क्रफी बियर्ड हाँ बस थोड़ा थोड़ा सा है ठीक है बहुत ज़्यादा वो नहीं है मतलब प्रॉपर दाढ़ी वाला सीन नहीं कहेंगे हम ओके और मस्टैच भी है हाँ बस हल्की हल्की वाली वही वो डाकू वाली नहीं बना देना तो मुझे लग रहा है डॉट 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 को सारे डाकू ना बन जाए ऑल राइट अच्छा अब बाल जो है ना वो बहुत शॉर्ट नहीं है लाइक यहाँ से यूं लंबे हैं और यहाँ से जो ऐसे ऐसे लंबे लंबे होते हैं ना जरा यूं यूं करके इट्स अ मेल एंड इट्स अ मेल या बट थोड़े से यहाँ तक बाल हैं मतलब थोड़े से ईयर्स के पास हाँ ईयर्स के पास भी हैं और कर्ली स्ट्रेट वेवी हैं बेसिकली हैं इनके कर्ली लेकिन यूजली अपने ब्लो ड्राई करके वेवी रखते हैं इसको आई ऑनेस्टली कांट टेल ये कौन है कौन हो सकता है ये और कान जरा से अच्छे नॉर्मल कान है यूं करके हाँ ठीक है हो गया डन देखो आके देख लें बट ये कोई सेलिब्रिटी नहीं लग रहा मुझे ये कौन है ये जब वो किसी भी भूत का करेक्टर करेंगे तो उस वक्त ये जरूर होगा अच्छा मुझे बताएं वैसे फुल माउथ कहे थे नीचे वाला होंठ पतला क्यों हो गया तो मोटा कर लेते हैं हाँ ठीक है अब मुझे बताओ ये कौन हो सकता है थोड़ा हिंट तो दे हाँ हिंट देना थोड़ा सा वेरी फेमस पर्सनालिटी यार मतलब एज क्या इनकी एज होगा मतलब अब मैं एज को तो नहीं इनके कह सकती हूँ मतलब ये कि सीनियर्स में हैं और होस्ट भी हैं एक्टर भी हैं उस्मान पीरजादा नहीं उतनी उसमें नहीं जाए उससे काफ़ी कम है मतलब सीनियर उनके बाल है ना इस तरह बहुत सारे लड़कों के अब तो बाल ऐसे हैं हाँ
थिंक वो सब उस्मान पीर ज़ादा को फॉलो करना शुरू हो गया, लेकिन उस्मान पीर ज़ादा के कर्ली बाल हैं, इट्स नॉट कर्ली, इट्स लाइक वेवी. लंबे बाल किसके हैं? उनके बहुत लंबे नहीं है, इट्स लाइक आजकल फैशन में है. एज ग्रुप थोड़ा सा लाइक 30s 40s. मैं कुछ मैं 40s कहूँगी क्योंकि हाँ मुझे 40s का कह दिया. एज इज जस्ट अ नंबर. मुझे क्या पता मैं उनकी एज के बारे में कुछ. ग्रीन आईज. हाँ कलर्ड आईज. ग्रीन एस सी एसन. Yes! Ehsan Khan. Kaise aapko kya? I am so sorry, Ehsan Khan. I'm so sorry. This is not you. You are very handsome. I know, lekin agar Ehsan ye agar draw karenge aapko kabhi bhi to aisa karenge to unko kabhi ye chance na dijiyega ki aapko draw kare, main unki tasveer bhi dikha doon. So this is actually I chose. Oh God. Aur ye aapne banaya hai. Very bad drawing by the way. Yeah, I'm a terrible artist. So so this is the picture. All right, अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब जो होगा रैपिड फायर राउंड. सो यू स्टे विद अस. ऑल लाइफस्टाइल में हमारे साथ आज महरीन शाह हैं और ब्यूटीफुल महरीन शाह से हम ब्यूटीफुल सवाल करने वाले हैं. अच्छा महरीन, अब आपसे हम रैपिड फायर राउंड करेंगे अभी और आपने जो है ना सब वन लाइनर में जवाब देना है इसका. ओके ठीक है. सबसे पहला सवाल, व्हाट डू यू थिंक, यू आर सुपरस्टार और जस्ट सेलिब्रिटी? जस्ट सेलिब्रिटी. आपको बड़ी स्क्रीन पसंद है छोटी स्क्रीन? बोथ. अपनी एक पहला. आई थिंक छोटी फिलहाल, जब बड़ी पे आऊंगी तो फिर आई विल सी. मोटा होना पसंद है या पतला होना? पतला होना ऑफ कोर्स. ओके. फेवरेट फीचर अपने फेस का? आई लाइक माई लिप्स. अपने लिए कोई गाना अगर सजेस्ट करेंगे तो कौन सा करेंगे अपने लिए? हाँ, देयर इज अ सॉन्ग माइली साइरस का, इट्स अ क्लाइम. थोड़ा सा सुनाओ, तुम्हारी आवाज अच्छी सुन भी लेती हूँ. इट्स अ क्लाइम, इट्स लाइक इट गोज लाइक, वो बेसिकली इस गाने में वो बताता है कि वो बता रही है कि जिंदगी इट्स लाइक अ क्लाइम, सो यू जस्ट कीप गोइंग, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो. ओके, आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला अपने लिए? कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत ज्यादा मिलते हैं मुझे. आई डोंट नो इफ देयर इज अ बेस्ट वन. गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस. अच्छा, फियर क्या है जिंदगी का? I am actually not scared of life. I have a very odd fear. मुझे death से ज़्यादा डर लगता है actually. Okay, सबको ही लगता है शायद इससे. अच्छा, शादी के क्या plans हैं अभी? के शादी करने के plans हैं भी या नहीं? हैं तो सही, but like for that I have to find the right guy first. The right guy वो इधर है या उधर होगा? मतलब ये पाकिस्तान में होगा या कनाडा में? कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है. कहाँ पे ज़्यादा prefer करोगी? मुझे जगह का मसला नहीं है, लेकिन यस आई वुड वांट कि वो थोड़ा सा लिबरल माइंडेड हो. मुझे कंजर्वेटिव. लिबरल तो ये समझेंगे ना, वो जी आज़ादी आज़ादी मांग रही है लड़की. लिबरल क्या होता है? लिबरल एक्सप्लेन करो थोड़ा सा. मुझे लगता है कि अगर एक एक हाउस होल्ड को लगता है कि उनको एक बहू चाहिए जो घर में खाने बनाएगी और यू नो शी इज नॉट अलाउड टू वर्क, करियर ओरिएंटेड नहीं हो सकती, तो ये थोड़ी सी कंजर्वेटिव माइंडसेट है. सही है. ठीक है, लिबरल होना मतलब आज़ाद होना का मतलब ये नहीं है कि वो आवारा हो जाएगी. आज़ाद मतलब आई शुड बी एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू एंड आई वांट फैमिली सपोर्ट. आई वांट माय हस्बैंड एंड माय इन-लॉज टू सपोर्ट मी ऑन दैट. सही है, ठीक है. और आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब इस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते और बंदी को खाना पकाना वो पकाएगी, जब उसकी ज़रूरत हो तो वो पकाएगी खाना. वो काम पे भी जाएगी, वो खाना भी पकाएगी, वो हर चीज़ वो करेगी जो उसके घर के लिए अच्छी है. मुझे जेंडर रोल्स आई थिंक बिल्कुल, इफ़ आई डोंट हैव अ जॉब, अगर एक लड़की हाउस वाइफ है तो वो बना ले खाना, राइट. बट इफ़ यू आर मैरिंग अ करियर ओरिएंटेड वुमेन, तो आप उसे एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि वो बाहर काम भी करे और फिर वो घर आके खाने भी बनाए. जब हमारे पाकिस्तान में फैसिलिटी है, हम कुक्स वगैरह रख सकते हैं, तो व्हाई शुड देयर बी अ जेंडर रोल? अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ एक वर्ड बताऊंगी और उस वर्ड से रिलेटेड आपने किसी भी वेल नोन पर्सनैलिटी को सिलेक्ट करना है, ठीक है? ओके, आई कैन ट्राई. बताना उसके बारे में कि ये इससे जो है ना रिलेट करता है. ठीक है. क्लेवर? निमरा खान. इंटेलिजेंट? मायरा खान. स्ट्रेट फॉरवर्ड? मी. मॉडेस्ट? यमुना सैदी. ओके. रोमांटिक? इकरा. विटी? विटी मीरा. जेन्युइन? जवाद बशीर इज़ वेरी जेन्युइन. ऑलराइट, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. ओके, सेंसिटिव? सेंसिटिव भी निमरा खान. ओके, अच्छा पूछना पड़ेगा क्या किया. वो फॉरेन हो जाती हैं. ओह क्यूट. प्रैक्टिकल? किरण ताबीर. वर्सटाइल? लैला ज़ुबैरी. मोटिवेटेड? मोटिवेटेड हसीफ खान. फ्रेंडली? एहसन खान. फनी?
मैंने खेल तमाशा में जिनके साथ काम किया था, मरहूम बिलाल, he is hilarious. All right, so great, zabardast, Mehreen. It was really nice you to be on our show. Thank you. बहुत मजा आया. बड़ी आपसे गपशप रही. It was an honor being on your show. Thank you so much for having me. इसके साथ ही आज के लिए इतना ही. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाजत. Take good care and ciao.